अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे गोट सेम की फली का सालन। तो चलिए बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर मैंने 400 ग्राम मटन लिया है, 2 प्याज को कट कर लिया है मोटा ही, इसे हम कुकर में ऐड कर लेंगे। अब लेंगे 1 टीस्पून नमक, आधी टीस्पून हल्दी, इसे भी शामिल कर लेंगे। 3 टेबल स्पून तेल, इसे भी शामिल कर लेंगे। इसमें डालेंगे हम 1/2 गिलास पानी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे हम 3 से 4 सीटी लगाएंगे। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची, 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लें। दो से तीन मिनट हमें इसे धीमी आंच पर भूनना है। इसमें ऐड कर लेंगे हम 1/2 किलो सेम की फली और 2 टमाटर बारीक कटे हुए। इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे हम 3 से 4 सीटी लगाएंगे ताकि हमारी फली अच्छी तरह से गल जाए। इसमें ज़रा भी पानी ऐड नहीं करेंगे। फली हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है। इसमें ऐड कर लेंगे बारीक कटी हुई कोथमीर, पुदीना, मेथी की भाजी। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, बनकर तैयार है हमारी गोट सेम की फली का सालन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।